अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते आमी कुछु बोलबार जन्य दाड़ाई नाई दुई एकटी कथा एखाने पर्यटक महाराज भूले गिएछेन बोधहय় की रकम धरर तो इसलिए हम दो एक बात केवल बतलाएंगे। यहाँ पर गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज जी की भी समाधि है। भक्ति विनोद ठाकुर जब यहाँ पर भजन करते थे तो उनके निकट हरि कथा और विशेष करके श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए ये गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज जी आते थे। अंधे आंख के थे किंतु वो अंधे नहीं थे जो उनको अंधा देखता था वो अंधा है, यथार्थ में उन्हीं को ही दृष्टि थी। यहाँ पर जब गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज आते थे तो सिर्फ विमलानंद सरस्वती ठाकुर जी माने प्रभुपाद जी का पहला नाम विमला प्रसाद जी, इनके भजन को निष्ठा को देख करके उन्होंने कहा जी गौरकिशोर दास बाबा जी ही को हम अपना गुरु बनाएंगे, दूसरे को नहीं बनाएंगे। किंतु गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज किसी को भी शिष्य नहीं बनाएंगे ऐसा प्रतिज्ञा किया था। अब भक्ति इनमें दोनों में कुछ चला, वो कहते थे जो हम शिष्य नहीं करेंगे और ये कहते थे जो आप ही से हम शिष्य होंगे। जब उन्होंने शिष्य नहीं किया तो उन्होंने खाना पीना यहाँ पर छोड़ दिया, चंद्रायन व्रत इत्यादि यहीं पर किया और एकदम सुख करके कांटा हो गए। यदि कुछ दिन और ऐसा करते तो शायद शरीर को छोड़ देते। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनसे कहा गौरकिशोर दास बाबा जी से, अजी आप आपका या साधुओं का कर्तव्य जीवों के प्रति क्या है? आ तो करुणा करना कर्तव्य है, भगवान के तरफ उसको उन्मुख करना उचित है। इसलिए तब तो आपको क्या करना चाहिए, ये लड़का इतना योग्य है, भगवान का भजन करना चाहता है और आप उसको दीक्षा मंत्र नहीं देंगे तो ये करुणा कैसे होगी? सुनकर के वो निरुत्तर हो गए और अंत में उन्हीं को झुकना पड़ा, झुक करके उनको दीक्षा और हरिनाम दे करके उनको अपने शिष्यत्व में वरण करना पड़ा। ये गौरकिशोर दास जी ने जब इनको कहा था जो कली के राज्य मत जाना, कलकत्ता में मत जाना, किंतु उन्होंने सबसे पहले कलकत्ते में ही जाकर के वहीं से प्रचार करके विश्व में प्रचार किया। आज ये जो विश्व में जो प्रचार देख रहे हैं हम लोग, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से ही ये विश्व में प्रचार हुआ है। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी का अवदान, महाप्रभु जी का जो प्रेम धर्म नाम संकीर्तन प्रचार, यदि भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये असंभव था, ये नहीं होता, किसी के संभव के लिए नहीं था। यहीं पर रह करके भजन करते करते इन्होंने मायापुर में ज्योति देखा और निश्चित किया कि यहीं पर चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। यदि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आते तो प्रभुपाद जी कहां से आते? इसलिए प्रभुपाद जी को भी जन्म देने वाले, आविर्भूत कराने वाले, प्रकाश करने वाले ये यही महापुरुष हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। यहीं पर उन्होंने भजन किया था, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनके चरणों में दंडवत प्रणति और भिक्षा मांग करके जो हमारे ऊपर में भी आप कृपा कीजिए, हम लोग फिर नरसिंहपल्ली के तरफ में चलेंगे। अधिक समय रहता तो हम लोग इसके संबंध में अधिक बातचीत बोलते किंतु आज समय की कमी है। यदि हो सकेगा तो हम लोग अपने मठ में लौट करके देवानंद गौड़ी मठ में शाम के समय में भक्ति विनोद ठाकुर जी के संबंध में हम लोग अधिक रूप में बतलाएंगे। आज यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोग पालकी पालकी तो उठिए लो और एकांतिके हमारा निसिंह एकांतिके जी निसिंहपल्ली हुए तापरे जेखने प्रसाद देवार व्यवस्था हो सेखने हरियर क्षेत्र से आम घाटा में जाए। गौर प्रेमानंदे।